राशि के खजाने का किला राशि फिला अद्भुत प्राणियों का देखो जलजला राशि फिला दादा कर्म वीर चौबे बस कर्म ही पूजा है तेरा भेजा है या खरबूजा है आप नहीं समझेंगे अपना तो स्टाइल ही दूजा है सब किस्मत का बिजनेस है पौने बारह का मुहूर्त है राशि फिला राशि फिला पेपर नहीं आया अभी तक अब तक तो आ जाना चाहिए राशि फिला का एक भी आदमी घर से बाहर नहीं आया क्योंकि हमने उनका पेपर चुरा लिया हाँ सूरी पेपर चुरा ले गया है क्या सूरी आज का पेपर चुरा ले गया सूरी आओ इधर बताते हैं नहीं ये थोड़ा मोटा है मुझ जैसी स्लिम ट्रिम जीरो फिगर के साथ अच्छा नहीं लगेगा ये काला है जोड़ी जचेगी नहीं अरे इसकी तो आंखें टेढ़ी हैं बुआ जी क्या कर रही हो बेटा मैं तेरे लिए फूफा ढूंढ रही हूँ मैं भी ढूंढू आपके साथ तू ढूंढेगी तू अभी छोटी है छोटी हो तो क्या हुआ अपने लिए फूफा तो ढूंढ ही सकती हूँ अच्छा ठीक है ढूंढ ये इस परफेक्ट रहेगा अरे ये तो टेडी बियर है तो आप कौन सी काम हो टेडी बियर से बदतमीज बड़े क्या अब तो छोटे भी मुझसे मजाक करने लगे हे भगवान लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं मैंने 60 रखे लेकिन आपको मुझ पे तरस नहीं आया लगता है भगवान ने मेरी सुन ली हेलो लड़के का फोन है हेलो कौन बोल रहे हैं वही जिसको तुमने दिल दिया मैंने तो कईयों को दिल दिया लेकिन कोई मुझे दिल नहीं देता मैं अपना दिल तो तुमको देने के लिए कब से तैयार बैठा हूँ मेरी जाने मन आपने मुझे जाने मन कहा ब्यूटीफुल कहा मुझे लगता है आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हैं। तो एक वादा करो तुम। 100 वादे ले लो। ये बताओ शादी कब करना है? करूंगी करूंगी। लगता है इसे मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। हेलो हेलो आप कितने साल के हैं? मैं 28 साल का हूँ। ये ठीक रहेगा ठीक है और तुम्हारी उम्र कितनी है मैंने तो परसों ही 18 कंप्लीट किए हैं स्वीट 18 तुम बहुत क्यूट बातें करती हो आप भी शादी कब करेंगे अभी कर लो इसी वक्त कर लो मैंने तो लाल जोड़ा भी सिलवा रखा है ठीक है तुम 8 लाख का इंतजाम करो मैं 12 लेकर आता हूँ 8 लाख क्यों बहुत लोग तो 28 लाख देने को तैयार है लेकिन मैं लालची नहीं हूँ मेरी होने वाली धर्मपत्नी शादी के बाद बिजनेस सेटल करेंगे लेकिन 8 लाख देखो अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं सुनीता से बात करता हूँ नहीं नहीं किसी भी सुनीता नीता से बात मत कीजिएगा मैं 8 लाख का इंतजाम करती हूँ पक्का हाँ पक्का बाय आई लव यू बेबी आई लव यू बाबा हेलो लाख कहाँ से आएंगे आज हिसाब की कोई बात नहीं होगी भाई नया महीना आ गया है नए खर्चे बिजली का बिल देखा है तुमने भरना तो मुझे ही होगा साहब जादों के पास इतना टाइम तो है नहीं कि बिजली का बिल भी भर दे लेकिन हाँ रात भर एसी चाहिए उनको
तुम्हारी उम्र के हो जाएंगे ना तो उन्हें भी दिमाग आ जाएगा। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? आज से पहले मेरे पास दिमाग नहीं था, दिमाग अब आया है। दिमाग होता तो इतना कमा लेते कि मेरे बेटों को कमाने की जरूरत ही ना पड़ती और ये सब बिल विल भरने के लिए अकाउंटेंट रखते। ताना सुनना तो तुम्हारी आदत में है। पर लोग में बैठ के दिमाग काफी खुल गया तुम्हारा। इसीलिए तो तुम्हारा दिमाग खोलने आई हूँ। मेरा दिमाग बहुत खुला हुआ है, इस समय डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया मेरा इसने। अरे अनिल जल्दी टीवी चालू कर यार, अपना राशिफल आने वाला है। चाचा जी रिमोट को हाथ पे क्यों ठक ठक मार रहे हो? बेटा बैटरी चार्ज कर रहा हूँ। अरे तो दिमाग पे मारिए ना, फुल चार्ज हो जाएगा। इतना प्यार से मत देखो चाचा जी, तो टीवी की तरह मुझे भी नजर लग जाएगी। बेटा आजकल तू बहुत बदतमीज होता जा रहा है। चाचा जी मार्केट से आप लोगों को बैटरी लानी चाहिए ना। अरे बेटा जब हाथ मार के टीवी चल जाएगा तो मार्केट जाके पैदल कौन थकेगा है? देख अभी चल जाएगा। ये लगा अपना चैनल, अब आएगा अपना राशिफल। बहुत बढ़िया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है। बात है बुआ जी, आज तो सारी तमन्नाएं आप ही के पीछे घूम रही हैं। अरे तमन्ना क्यों घूमेगी मेरे पीछे? मेरे पीछे तो पॉल घूम रहा है और लंबी वेटिंग लिस्ट। नहीं, मैं समझा नहीं प्लस माइनस लगा के। तुम्हारे होने वाले जीजा जी। बहना ये पॉल भी विदेशी होगा? हाँ हाँ विदेशी है, जैसी कोई तो मेरी वेटिंग लिस्ट में है ही नहीं। अरे वाह क्या बात है, क्या टाइटल है, वेटिंग लिस्ट, क्या जबरदस्त कहानी बनेगी। हाँ रवि बिटवा कहाँ जा रहे हो, जरा हमारी कहानी की दो ठो लाइन सुन लो ना। आपकी कहानी जरूर कड़वी होगी टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। अरे कहाँ हंस रही हैं आप, हमारी कहानी कड़वी नहीं होती है, हमारी कहानी तीखी होती है टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। अरे देखो तो जरा। अच्छा भैया आप हमार कहानी सुन लीजिए। इन लोगन का तो ना खून सफेद हो गया। अरे वो क्या बोल रहे थे आप? पॉल क्या था वो का? मैं कह रही थी कि he is very handsome and charming। मेरा दिल आ गया है उस पर, मैं फिदा हो गई हूँ उस पर। बहना उम्र में तुमसे छोटा है बड़ा है? अरे उम्र से प्यार का क्या लेना देना, ये तो दिलों का रिश्ता है। बहना पिताजी मना तो नहीं कर देंगे? अरे मना क्यों करेंगे, सदियों बाद तो शहनाई बजने का मुहूर्त आया है। अब मैं चलती हूँ, उनका फोन आने वाला है। एक मिनट दीदी। अब वो हम क्या कह रहे थे ना कि आपकी शादी से हमको एक नई कहानी बस अभी अभी ताजा ताजा निकल के आई है, सुन लीजिए। भाभी ऐसा करो आप अपनी कहानी को अच्छी तरह से लिखो, मैं और पॉल शादी पर इकट्ठे ही सुन लेंगे, ठीक है? आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। अरे चुप करो मैं राशि फलाने वाला, चुप हो जाओ। तो आइए देखते हैं आज किसकी राशि में क्या लिखा है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक है, उन्हें लाभ की संभावना है। अरे वाह। अब आइए देखते हैं आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेगा। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, उनके घर धन का आगमन होने वाला है। अरे
मैंने तुम लोगों का नाच भी देख लिया। लेकिन ये बताओ कि धन आएगा कहाँ से? अरे बाबूजी, आज मेरी राशि में लिखा हुआ है कि धन आएगा। टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। अरे वाह, अगर धन आएगा ये तो बहुत अच्छी बात है, वो भी टर्न और ट्विस्ट के साथ। बाबूजी आप एक काम करिए, आज आप कहीं मत जाइए। क्यों, तुम्हारी राशि फल में आज लिखा है फिर मेरी जान को कोई खतरा है? अरे बाबूजी आप देखो कितने अच्छे हैप्पी मूड में लग रहा है, यहीं रुक जाइए ना, सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, मजा आएगा। जब धन आ जाएगा मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा, हम सेलिब्रेट कर देंगे। ठीक है जी। जी जी पिताजी। वैसे हाँ बहू जी, बाबूजी आज पहली बार तुमने कोई कहानी नहीं सुनाई मुझे जाने से पहले। ओह क्या बाबूजी, आप भी ना नेकी और पूछ पूछ। अरे काहे हंस रहे हो, फनी कहानी नहीं है। अब जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है धन का आगमन। तो कहानी शुरू होती है। हाय भैया, कहाँ भाग गए सारे? अरे हमारी क्रिएटिविटी का तो कोनो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अरे कल्लो, क्या हुआ? क्या हो गया, पगला गई है क्या? ऐसे कर रही है? हम सोच रहे हैं। अरे तुम सोच रही है कि कबूतर उड़ा रही है? हम ऐसे ही सोचते हैं। अच्छा, हमको मालूम नहीं कि तुम्हारा सोचने का नया तरीका ऐसे ऐसे है। अच्छा दोनों जगह मारती हो, अच्छा हम अभी समझ में आए, औरत का दिमाग तो घुटना में होता है। तो हम समझ गए। अच्छा सुनो कल्लो, हम कहा कहते हैं, हम कहते हैं का तुम खाली अपने ये मालिक लोगों के बारे में जो सोचती हो ना, बहुत गलत है। काहे? अरे ये लोग तो बहुत बड़ा आदमी है। कहाँ बड़ा है, कोई 5 फीट का, कोई 6 फीट का, कोई 4 फीट का। दूध पगली, लंबाई नहीं पैसा से। हाँ हम लोग इनके यहाँ काम करते हैं ना, ये हमारे नौ मालिक है, हम इनके नौकर है। हम कहा कहते हैं इन लोगों का छोड़ो, अब कभी अपने बारे में भी सोचो ना। का जिंदगी कैसे चलेगा उसके बारे में देखो। का है जब तुम्हारा उम्र दरा ज्यादा हो जाएगा ना, बुढ़िया हो जाएगी तो कोई नहीं देखेगा, बुआ जी को देखो अभी तक वैसे ही पड़ी है। हमारे लिए सलमान खान रेडी बैठा है। अरे तो हम सलमान खान से 2-4 साल कम ही है ना, तो हम इसे कर लो, दूर में है, हम पास में बैठे हैं। अरे हाओ सुनो सुनो, गुस्सा को थूक दो। गुस्सा को थूकी ना, इसका मतलब बात पक्का। काहे का पक्का? अरे चट मंगनी पट बिया और उसके बाद में 2-3 टू हट्टा खट्टा बच्चा को हम बाप, मजा आएगा। सुनो एक बात कहे, हम लोग ना शादी बाद में करेंगे, एक तो हमको ना वो वाला दो ना। का? अरे वो कुकू और सूर्या नहीं ऐसे ऐसे करते रहता, का कहता है ला फ्लाइंग का फ्लाइंग किस करके कहता है ना, का कहते हैं वो। यस, जब से पता चला है कि मेरी राशि में लिखा हुआ धन आने वाला है तो मेरा दिमाग धन 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 कर रहा है, वो भी प्लस लगा के, नो माइनस। ओए ओए कहाँ रखूंगा, मुझे क्या सोचना, इतना बड़ा बंगला है कहीं भी रख दो, जहाँ हाथ डालो ये धन निकल रहा, ये धन निकल रहा, ये धन निकल रहा है। मुकेश चौबे कर ले अपने इरादे बुलंद, क्योंकि जब धन आता है तो वो अच्छे अच्छों को अपना गुलाम बना देता है। लेकिन नहीं, मैं धन का गुलाम नहीं बनूंगा बल्कि धन को अपना गुलाम बनाऊंगा। बेटा अरे कहाँ जा रहा है ये बैग लेके? पापा जी दरवाजे तक जा रहा हूँ। क्यों? पापा जी धन आने वाला है और मैं इसमें भरूंगा। अरे मेरी राशि में लिखा हुआ धन आने वाला है तो इस बैग के बराबर थोड़ी आएगा। सोच, इतना धन आएगा कि पूरा घर भर जाएगा, एक बार सोच के देख बेटा, सोच। लेकिन पापा मैं सोचूं क्या? नहीं सोच ये कि अगर तेरे पापा की बड़ी गाड़ी होगी तो। सोच लिया पापा। सोच कि तेरे पापा का एक बहुत बड़ा बंगला होगा। वाह, ये भी सोच लिया पापा। सोच तेरे पापा का गांव में और गोरेगांव में दोनों जगह दो दो घर हो जाए तो। सोच तेरे पापा, ये भी सोच लिया। लेकिन पापा ये भी तो सोचो, क्या ये अगर ये धन नहीं आया तो? अरे चुप 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 बोल, मेरी राशि में लिखा हुआ धन आने वाला है तो वो आएगा। अपना सपना मनी मनी आ गई तेरी।
चलिए आरती तो हो गई, अब हम सब मिलकर भजन गाएंगे। रेडी? अरे दीदी कब से रेडी हैं, जल्दी कीजिए, हमारे अंदर की भक्ति टर्न एंड ट्विस्ट मार रही है। 1, 2, 3 अपना सपना मनी मनी दे दो भगवन, मनी मनी दिल को भावे, मनी मनी दे दो भगवन, मनी मनी जल्दी भेजो, मनी मनी दे दो भगवन, मनी मनी अपना निकल जाते अभी। अरे निकल ही जाते तो अच्छा होता, सोचा था पैसा आएगा तो हमारी पब्लिकेशन खुलेगी, पब्लिकेशन खुलेगी तो हमारी इतनी बढ़िया बढ़िया जो किताब लिखी रखी है पब्लिक तक पहुंचेगी, लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए एक सेकंड। अरे भाई अभी दिन खत्म तो नहीं हुआ है ना? अरे दिन का क्या करें, खाए क्या उसको, ऑफिस तो बंद हो गया ना पोस्ट ऑफिस। तो भाई पोस्ट ऑफिस बंद हुआ है लेकिन कुरियर वाला तो आ सकता है, है? मैंने अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है, और अगर राशि में लिखा है कि धन आएगा तो धन आएगा। ये वाला टर्न एंड ट्विस्ट तो हमने सोचा नहीं था। ये पैसे तो मिले नहीं, अब मेरी शादी 7 स्टार होटल में कैसे होगी, सलमान खान मेरी शादी में कैसे नाचेगा भैया।
अरे दीदी, सलमान खान तो अपने ही शादी में नहीं नाच पा रहा है, ट्रेजेडी है, है? तो आपकी शादी में अगर नहीं नाचा तो कौन कोई दुनिया नहीं उजड़ जाएगी भाभी। हाँ। पापा, धन तो आया नहीं, अब हम अपने कमरे में जाएं? जाओ, किसने रोका? धन के मोह ने। अरे लेकिन हमारा पब्लिकेशन का सोचो, इतने महान महान उपन्यास हम लिख कर रखे हैं, कैसे पहुंचेंगे पब्लिक तक, सोचिए। अभी वो तो ना ही पहुंचे तो अच्छा है, लोग सरदर्दी से बच जाएंगे। ये मजाक था का? बहुत गंदा था। पापा, धन तो आया नहीं, अब हम अपने कमरे में जाएं? जाओ, किसने रोका? धन के मोह ने। बच्चे भी ना क्या क्या सवालों के जवाब लिख देते हैं। सवाल है 2 × 2 कितना होता, उत्तर लिखा है 0। जीरो मिलेगा। एक सवाल है कि 9 / 3, उत्तर लिखा है 0। ले, 0 मिलेगा इसे। सवाल है कि दूध कहाँ से आया है, बच्चे ने क्या लिखा पता? फ्रिज से, मम्मी रोज निकालती है। सही है। लो, कर लो बात। अंकल, सब लड़के बुद्धू नहीं होते, आप मुझसे सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। अच्छा तो बता, 2 × 2 कितना होता? 2 × 2 = 22 होते हैं। 22? कैसे? अरे 2 के आगे 2 लगा दो तो 22 ही हुए ना। हैं? लो, इसको कहते हैं मैट्रिक फेल। मैट्रिक फेल? भाभी, 9वीं में 9 बार पास हुई हूँ मैं। हाँ। अच्छा जेबा, इसका मतलब 9वीं में 9 साल बैठी रही तुम। हाँ, तो किसी चीज को पक्का भी तो करना पड़ता है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे आप लोग मेरा दिमाग खराब मत करो, अपने अपने कमरों में जाओ, मुझे बच्चों की कॉपियां जांचनी है, उनके भविष्य का सवाल है। अपना भविष्य बनाया नहीं, बच्चों का भविष्य बनाएंगे। 16 ने खरी बात कही है दीदी, टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। अरे धन मिला, एक बच्चे ने अपनी कॉपी में रखा है। कितना? 10। बाबूजी, जब से राशिफल में अतिथि आने की योग की जानकारी मिली है, एक मन में उम्मीद सी जाग गई है। हाँ बाबूजी, बस अब तो बस उम्मीद पे नजर टिकी है। बाबूजी, आपका कोई रिश्तेदार हो ऐसा विचित्र सा, तो याद कीजिए ना। विचित्र सा? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि 60-70 के दशक का कोई ऐसा रिश्तेदार जो कुंभ मेले में बिछुड़ गया हो, या कोई बाढ़ में पानी में। ना, ऐसा कोई नहीं है। जाओ यहाँ से, भेजा मत खाओ मेरा। अरे भेजा नहीं, हम तो नाश्ता करके आए।